यार इसके बारे में बताएं तो ये टिकट हमें पड़ी है 190 की, मतलब 2000-2100 रुपए की। लेट्स सी इफ इट इज़ वर्थ इट। हाँ जाना, हाँ वैसे तो अच्छा ही लग रहा था और ये काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का। अरे थोड़ा हटके हो जाएगा यार सिटी, मेन सिटी से, क्योंकि हमने बिल्डिंग्स देख ली, वो देख ली, अब थोड़ा थोड़ा एडवेंचर आउटस्कर्ट्स में देखें हिल स्टेशन पे इनका क्या रहता है। तो ये हम बताओ मुझे आया 2000 years later। मैं यूनटियान बोबा 600 मीटर है, बस ने हमें यहाँ ड्रॉप करा ऊपर लाके। अच्छा है थोड़ी तो चढ़ाई कम हो गई, अभी 600 मीटर ऊपर चढ़ना है तो टिकट स्कैन करेगी और टिकट चेक करके जाने देगी। भाई साहब 10 कदम में बैंड बच गए, कैसे होगा भाई ये 600 मीटर कैसे चढ़ेंगे? तो नहीं चढ़ने में पीछे पुल आ रहा है, एक से लग रहा है खींच रहा है नीचे कुछ। Years later. पंजी भी होती है से, हाँ बंद है वाटरफॉल जो करते हैं। आंटी चिल्ला रही है अपने बॉयफ्रेंड पे, तू बहन छुपाया जल्दी कर ले। और थक मैं वैसे ही हूँ तो शॉर्टकट ले लेते हैं। ये आपको मिलते हैं, आप यहाँ से उठा सकते हो और बैठो पहनो, क्योंकि ग्लास ब्रिज है तो ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए आपको ऑब्वियसली प्रोटेक्शन चाहिए, जूते पहन के नहीं जा सकते। ये पहन के जाएंगे भाई साहब। भाई भाई लग रही है भाई, डर लग रहा है सही तेरा, तेरे को हिल रहा है ये शायद, भाई हिल रहा है भाई ब्रिज, भाई डर लग रहा है भाई मेरे को, भाई मैं पीछे जा रहा हूँ भाई, रुक जा भाई, भाई साथ में चलेंगे हाथ पकड़ के, रुक जा पीछे। नीचे देखा तो जान गई, नीचे देखा तो जान गई सच में साहब। भाई नीचे देखना है तुम्हें, भाई ये देखो भाई डर लग रहा है, तो ये हिलता है ना धीरे धीरे चलने में, ना नीचे देखो ही मत या तो, या बस चलते रहो सीधा। हो गया फाइनली, हमने ये ब्रिज कर लिया पूरा, ग्लास ब्रिज डन है, ऊपर वाले ब्रिज देखते हैं वहाँ पे कैसे जाना है तो वो भी कर लेते हैं। मेन वाले ब्रिज पे जा रहे हैं, पीछे जो है
सर्कल वाला दिख रहा है ना आपको, उधर जाते हैं, वहां पे लोग बैठे रहे मस्त फोटो खिंचा रहे हैं। ये गुलोंग है, तो चीन युआन से हम जो हमने कैब ली थी एक घंटे के बाद, हम आए गुलोंग, और गुलोंग में ये ग्लास सस्पेंडेड ब्रिज और ग्लास प्लेटफॉर्म, ये पूरी जो जगह है गुलोंग है। और जो हमने लिया था इसका प्राइस था 118 युआन, कन्वर्ट होता है 1300 रुपये के अराउंड होगा। डू आई थिंक इट इज़ वर्थ इट? 100%, मेरे को तो बढ़िया लगा, अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट है, ऐसी अट्रैक्शन इंडिया में देखने को कम मिलती है। ये देखो एक और आ गया, भाई इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ आके ही समझ सकते हो, घर बैठ के वीडियो में इतना डर नहीं लगेगा आपको देख के कि हम कहाँ पे हैं, बट ये जो नीचे देखो ना, जब पता चलता है कि क्या फटती है। ओहो ग्रुप फोटो फोटो ऑल और ये तो अच्छी फोटो आई हो भाई, अच्छी है ना, मजा आया फोटो भाई, सेलिब्रिटी बन गए हैं हम ये। तो हमने पैकअप कर लिया, हम नीचे उतर रहे हैं। उसने बताया कि 88 की पड़ेगी अगर आप यहाँ से लेते हो रोलर कोस्टर वाला, और 3 मिनट में पहुँच जाओगे आप नीचे बस स्टेशन तक, और हमें उतरने में आधा घंटा तो लगेगा कम से कम, पर अभी हमारे पास टाइम है वापस जाने का, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे। जो हाइक हमने ऊपर आते थे समय मिस कर दी थी वो हम यहाँ से कर लेंगे, बात बराबर है, इंजॉय पूरी चीज़ करेंगे। यार हम नीचे उतरते उतरते हमने सोचा भूख लग रही थी, थोड़े से ओरियो खा लेते हैं, इधर शायद अमन को हॉट डॉग या मोमोज मिल जाएंगे अपने, पर वेज में तो मेरे पास सिर्फ ये मेपल फ्लेवर्ड ओरियोज हैं, पतले हैं काफ़ी, इंडिया के इधर मोटे ओरियो वाले नहीं आए, थोड़े अलग हैं, बट गुड इनफ। पन्नी लगी हुई है इस पे? नहीं हाँ हाँ वो ग्लेज है भाई, खा के बताइए भाई, काट जल्दी काटी गई। पन्नी लगी हुई है उस पे ना? नो पन्नी के साथ खाने पन्नी को खा रहा तू, पन्नी की सॉस नहीं है, सॉस भी दे रही है वो। 2000 years later. शेशे, शेशे. Welcome. Thank you so much. यार इन्होंने हमारी काफी हेल्प कर दी, इन्होंने हमारी बुक करवा दी कैब, ऐसे कैब नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा मैं कर देती हूँ, आप मेरे को कैश दे दो और मैं तुम्हारे लिए DD से ऐप से बुक कर देती हूँ ये कैब। तो अभी उन्होंने बिल्ड योर ड्रीम BYD की गाड़ी मंगवाई, बढ़िया इलेक्ट्रिक, देखो भाई क्या सेक्सी गाड़ी है। अभी वो उसने समझा रही है कि भाई यहाँ जाना है और इनसे पेमेंट मत लेना, मैंने ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है, ऑलराइट, ओके, बाय बाय, थैंक यू। You can't stick your head out, it's illegal. Oh. Oh. अब तो मैंने कर लिया, तो कैमरा वाले ने पकड़ लिया होगा, पुलिस आ जाएगी होटल में फिर से। मतलब आई थिंक रोक के खोल सकते हो, चलती हुई गाड़ी में नहीं निकाल सकते, मे बी ऐसा होगा। नहीं बढ़िया है भाई सिस्टम। भाई बाहर से आया भाई, पर्चे आ रही किसी चीज़ की, चालान कट गया क्या? चालान आ गया भाई। 2000 years later. उन्होंने अभी हमें ड्रॉप कर दिया टैक्सी वाले ने, ठीक है, बता। टैक्सी वाले ने हमें ड्रॉप करा है, तो हम उनसे बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने सारे क्यों हैं, और इनके वाई वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर अ पेट्रोल व्हीकल इन चाइना। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ होती है, और सस्ती होती है, हाफ होती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड रनिंग कॉस्ट। जैसे 150,000 RMB, मतलब 1.5 लाख RMB की इलेक्ट्रिक इसकी BYD की गाड़ी थी,
और अगर लेक्सस या कोई भी पेट्रोल गाड़ी देखो तो वो 250-300 की रेंज से स्टार्ट होती है और वो 2 मिलियन RMB तक जाती है, मतलब 20 लाख RMB तक जाती है। और जिससे इसकी इलेक्ट्रिक की रेंज है वो 450 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर की रेंज होती है। और इनको चार्ज, फुल चार्ज करने में 10 से 20 RMB लगते हैं अगर आप एक चार्जिंग आउटलेट पर चार्ज करो, और अगर आप अपने घर पर चार्ज कर रहे हो तो 10 से भी कम है, 10 RMB से भी कम है, मतलब 110 रुपये लगते हैं गाड़ी को फुल चार्ज करने में। और हमने कैलकुलेट करा था तो कितना आ रहा था, 0.5 रुपीज़ पर किलोमीटर 0.5 रुपीज़ पर किलोमीटर की कॉस्ट है रनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चाइना में। इसीलिए 90% गाड़ियाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैं। मैकडी आ गया भाई, लोग यार अभी हम एक कैफे में चले गए थे, एक ऑस्ट्रेलियन कैफे था, सारे ऑस्ट्रेलियंस ही थे उधर मेजॉरिटी, और कुछ चाइनीज थे। मॉर्गन्स नाम है हाँ कैफे का। तो अमन ने तो दो नॉनवेज का कुछ लिया था, और हमने दो ड्रिंक लिया था, और मैंने एक पिज्ज़ा लिया था मार्गरीटा वाला प्लेन। बिल हमारा 3,000 रुपये आया था, 255 yuan। तो ठीक है, मतलब इतना महंगा नहीं है, मतलब महंगा एज इन इट्स डिसेंट ओनली, कि इतना तो आएगा ही अगर आप एक कैफ़े में जाके बैठोगे इन अ सिटी लाइक गुआंगजू, जो एक फाइनेंशियल सिटी है चाइना में। अभी वी आर हेडिंग बैक टू दी होटल, हम जाएंगे सामान पैक करेंगे क्योंकि कल हमें निकलना है एक दूसरी सिटी के लिए, वो मैं कल सुबह बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से कर देना। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रॉम चाइना, एंड सी या।